हेलो फ्रेंड्स, सूरत टिकन सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो लुमिनस का सोलर चार्ज कंट्रोलर है, ये 10 वाट के सोलर पैनल के साथ काम करता है कि नहीं, इसको मैं प्रैक्टिकली आपको चेक करके दिखाऊंगा। तो यहां पे देखिए, लूम सोलर का ये 10 वाट का सोलर पैनल है। इसका स्पेसिफिकेशन ये आप देखिए, यहाँ पर 10 वाट यहाँ पर मैंसन किया हुआ है। मैक्सिमम पावर पी मैक्स 10 वाट पीक, ठीक है फ्रेंड। और यहाँ पर देखिए, ये लुमिनस का 12 वोल्ट 6 एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर है। यहाँ पे जो मैंने कनेक्शन जो किया है, ये लुमिनस सोलर चार्ज कंट्रोल का बैटरी टर्मिनल कनेक्टर यहाँ पे है, और इसी के साथ जो है मल्टीमीटर का अमीटर सेक्शन कनेक्ट किए हैं सीरीज में बैटरी और इस टर्मिनल कनेक्टर के बीच में। इससे ये पता चल पाएगा कि सोलर पैनल से जो है करंट सोलर चार्ज कंट्रोल में जाके बैटरी को मिल रहा है कि नहीं। अभी सोलर रेडिएशन काफ़ी कम है, उस हिसाब से देखिए यहाँ पर 0.08 0.09 एम्पियर करंट, यानी 90 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अभी काफ़ी कम रेडिएशन है, रेडिएशन घट बढ़ रहा है, उसी के हिसाब से यहाँ पे करंट का भी वैल्यू दिखा रहा है। यानी इससे ये प्रूफ हो गया कि ये जो आपका लुमिनस सोलर चार्ज कंट्रोलर है 10 वाट के सोलर पैनल के साथ काम कर रहा है, क्योंकि करंट का फ्लो जो है सोलर चार्ज कंट्रोलर से बैटरी की तरफ हो रहा है। यहाँ पर देखिए, अभी 80 मिली एम्पियर दिखा रहा है। रेडिएशन अधिक होगा तो करंट का वैल्यू भी काफ़ी अधिक हो जाएगा। अभी देखिए, रेडिएशन कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, उस हिसाब से देखिए यहाँ पे करंट का वैल्यू भी इंक्रीज कर गया है। मल्टीमीटर में ध्यान से देखिए, ये देखिए फ्रेंड, 0.23 एम्पियर, 0.24 एम्पियर, ये देखिए कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। 260 मिली एम्पियर, 270, 280, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए कंटिन्यूसली करंट इंक्रीज कर रहा है, 10 वाट के ही सोलर पैनल लगे हुए हैं। और देखिए, ये सोलर चार्ज कंट्रोल जो है यहाँ पे लुमिनस के साथ कनेक्टेड है, ये करंट फ्लो को बता रहा है कि लुमिनस सोलर चार्ज कंट्रोल से बैटरी की तरफ करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। इस वीडियो के हेल्प से मैं ये दिखा रहा था कि 10 वाट का जो सोलर पैनल है, इस लुमिनस सोलर चार्ज कंट्रोल के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। आप जो है इसको इस तरह से देख सकते हैं, ये प्रैक्टिकली मैं आपको प्रूव करके दिखा दिया, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए 0.35 एम्पियर अभी हो चुका था, यानी 350 मिली एम्पियर। अभी शाम का टाइम है, रेडिएशन घट चुका है, इसलिए करंट का वैल्यू कम हो चुका है। फिर भी देखिए ठीक ठाक करंट का वैल्यू आ रहा है, यानी 300 मिली एम्पियर करंट जो है बैटरी में जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये 10 वाट का जो सोलर पैनल है, इसके साथ ये लुमिनस सोलर चार्ज कंट्रोल बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल सोलर टेक इनसाइडर को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो सोलर एनर्जी में इंटरेस्ट रखते हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।